हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम डेसीवाल के बारे में जानेंगे। ओके, देखो हम एक फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आया, एक होल नंबर आ गया, ठीक है, होल नंबर। अभी 10/2 लेते हैं, 5, मतलब ये डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको होल नंबर में भी आए, ओके। उसके लिए मतलब वो कैसे, अगर हम ऐसे फ्रैक्शन रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको क्या करेंगे, देखो दिया, इधर एक पॉइंट दिया तो ये 10 हो गया, अभी हम 5 डालेंगे और ये आंसर, अभी ये 0 हुआ। पर ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया, इसको हम डेसिमल बोलते हैं, ओके। ये जो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होता है ना, इसको हम डेसिमल बोलते हैं, मतलब उसका हम द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। अभी अभी चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 5.8, 2.125, 1.025, ये टीसी, ये सबको हमारा डेसिमल्स बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ओके। तो इसमें से हम क्या मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये क्या है, ये पार्ट क्या है। तो 5.8 को लेते हैं, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, होल नंबर पार्ट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, वो बीच में हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट। ये हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट, ओके। तो इसमें से वैसा कि ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये हमारा होल नंबर पॉइंट, और ये होल नंबर पार्ट, ये हमारा डेसिमल पार्ट, मतलब पॉइंट का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट और ये राइट, राइट हमारा डेसिमल पार्ट, ये लेफ्ट, क्लियर, ओके। डेसिमल नंबर्स में डेसिमल प्लेस किसको बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल 3.93, ओके, 6.492, कुछ भी आप जितने भी नंबर, तो ये हमारा 2 प्लेस हो गया, ये हमारा 3 प्लेस, इसको हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं, ओके। 2 प्लेसेस और मतलब पॉइंट के बाद आपका कितना प्लेस आएगा, ठीक है, ये हमारा डेसिमल प्लेस कहते हैं। और अभी हम डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस
इन व्हिच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 etc are called as decimal fractions. Example 2 by 10, 5 by 100, 25 by 1000 etc all are decimal fractions. क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 10 एज डिनोमिनेटर. हमारा 10 रहेगा तो मतलब 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 5 by 10, ये जो रहेगा ना, ये सबको, ये हमारा इट इज यर फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10. ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? 1 by 10 को हम लिखेंगे 0.1, 2 by 10 को 0.2, 3 by 10 को 0.3, ऐसे करके हम लिखेंगे etc. ओके, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. नेक्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस विथ 100 एज डिनोमिनेटर. वो भी सेम, मतलब आपको 1 by 100, 2 by 100, 3 by 100 etc. इसको 1 by 100 को हम कैसे लिखेंगे? 0.01. 2 by 100 को 0.02, मतलब ऐसे आपका पूरा जितने नंबर तक जाएगा ना, उसी हिसाब से आपको, मतलब आपके जो पॉइंट रहेगा उसके बाद आपका एक जीरो और उसके बाद वो नंबर. ओके, ये हमारा हो गया डेसिमल्स फ्रैक्शंस विथ 100 एज डिनोमिनेटर. इसको क्या बोलते हैं? 100, 200, 100, 200, ऐसे, so on. Okay. Next, decimal fractions with 1000 as denominator. 1 by 1000, 2 by 1000, 3 by 1000, so on. इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? 0.001. ठीक है, इसको 0.002, 0.003, ऐसे ऐसे करके, so on. मतलब आपका जितने नंबर तक आपको दिए रहेंगे तो आप वैसे लिखना है पॉइंट देके. ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस आज डेसिमल, मिक्स फ्रैक्शंस आज डेसिमल देखेंगे. मिक्स्ड फ्रैक्शंस आज डेसिमल, वो कैसे?
एग्जाम्पल टू फूल वन बाई टेन, ओके सिक्स फूल सेवन बाई हंड्रेड। इसको हम करेंगे कैसे, देखो टू फूल वन बाई टेन को कैसे लिखेंगे, टू प्लस वन बाई टेन, ये सब हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं एडिशन में, ओके टू। अभी हम ये पार्ट पढ़े डेसिमल में, ये हम फ्रैक्शन में पढ़े वन बाई टेन। अभी टू प्लस वन बाई टेन को कैसे लिखा जाएगा, ये तो फ्रैक्शन में हो गया, अभी कैसे लिखेंगे, टू पॉइंट वन, क्योंकि इधर टेन है तो इधर हमारा पॉइंट के बाद एक की प्लेस आएगा, तो टू पॉइंट वन हमारा आंसर। अभी सिक्स फूल सेवन बाई हंड्रेड को कैसे लिखेंगे, सिक्स प्लस सेवन बाई हंड्रेड, ये तो हमारा फ्रैक्शन में, अभी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सिक्स प्लस सेवन, सॉरी सेवन को हम कैसे लिखेंगे, सेवन बाई हंड्रेड को जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन, क्योंकि ये हमारा टू जीरो है, ठीक है। टेन के लिए पॉइंट वन, हंड्रेड के लिए पॉइंट जीरो वन, थाउजेंड के लिए पॉइंट जीरो जीरो वन, मतलब आपका ये एक के लिए एक की प्लेस, दो के लिए दो प्लेस, ये देखो तीन के लिए तीन प्लेस, ओके ऐसे करके हमको लिखना है, सिक्स पॉइंट जीरो सेवन हमारा आंसर। ये हमारा 2.1 आंसर, ऐसे हमको डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है वैसे करेंगे। नेक्स्ट अभी लाइक डेसिमल्स देखेंगे। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स हैविंग डेसिमल प्लेसेस हम जान चुके हैं, अभी लाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल देखो 2.43, 5.03, मतलब ये हमारा 2-2 प्लेस हो गया, 6.099, कुछ भी आपको जो भी नंबर ऐसे दिए रहेंगे ना, ये हमारा लाइक डेसिमल्स, ये हमारा लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स decimals having different number of decimal places are called unlike decimals। एग्जाम्पल 8.4, 9.423, 4.0251 etc। मतलब देखो ये हमारा एक प्लेस, ये हमारा तीन प्लेस, ये हमारा चार, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो, वो अनलाइक हमारा हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद हमारा कितना प्लेसेस आ रहा है, तो ये तो हमारा सेम नहीं है ना, तो पर ये लाइक प्लेसेस में टू टू पॉइंट के बाद टू टू प्लेसेस आ रहा है, इसलिए ये लाइक डेसिमल हो गया, ये सब हमारा अनलाइक डेसिमल्स, ओके अनलाइक डेसिमल्स। ये तो हो गया लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल।
अभी अन इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। Putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value। इसका मीनिंग क्या है? Thus, 3.8 is equal to 3.800 etc. 2.94 is equal to 2.940 is equal to 2.9400 etc. ओके, आप जितने भी जीरो लगाओगे ना, देखो ये हमारा गिवन है, ये सब गिवन है। इसमें ये जो गिवन नंबर में हम एक जीरो इधर ऐड किए, डबल जीरो ऐड किए, ट्रिपल जीरो, आप जितने भी जीरो ऐड करोगे ना इसका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो ये भी हमारा एक गिवन नंबर है, इसमें हम जीरो ऐड किए, उसका भी रिजल्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अरेंज द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जांपल लेते हैं, अभी ये आपको एक एग्जांपल में लेके मैं समझाऊंगी और प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे निकालेंगे डेसिमल में। नंबर सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। ओके, अभी हम डेसिमल में प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे देखो। 3.7456 8। ओके, ये हमारा तीन डिजिट है, इधर भी हमारा तीन डिजिट है और बीच में हमारा ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे, मतलब इसका प्लेस वैल्यू चार्ट पहले निकालेंगे। फर्स्ट हमारा डेसिमल पॉइंट इधर, ये जो प्लेस है ना, पॉइंट से जो पहले जो प्लेस है ना, इसको हम वंस प्लेस लेंगे, नहीं कि ये प्लेस को वंस प्लेस लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्लेस हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा वो हमारा वंस होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट, देन उसके लेफ्ट में वंस, इधर टेंस, देन हंड्रेड्स। ओके, ये हमारा तीन प्लेस है इसलिए हम हंड्रेड्स पर गए, अगर चार होगा तो थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड हो जाएगा। अभी हमारा तीन प्लेस है, हंड्रेड हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे? इधर हमारा पॉइंट हो गया, ये फोर, ये सेवन, ये थ्री, ये हो गया, ये पार्ट हमारा खत्म हो गया लेफ्ट का। अभी क्या करेंगे, ये जो डेसिमल का जो राइट साइड है ना, मतलब ये जो नंबर है, ये हमारा टेंथ, टेंस मतलब इधर हमारा फाइव आ जाएगा, ये हंड्रेड्स। सिक्स आ जाएगा, ये थाउजेंड्स। एट, ओके, ये नंबर को हमने डाल दिया, ये
ये तीन डिजिट वाला नंबर लिए थे, अभी अगर हम 24.568 लेंगे या 268 भी लेंगे, कंफ्यूज नहीं है ना, और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। देखो ये हमारा फोर्थ में वंस में फोर आएगा, टेंस में टू आएगा, हो गया। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इधर हो गया, अभी हमारा ये डेसिमल पॉइंट, ये प्लेस हो गया। अभी ये टेंथ्स, ये टू इधर आ जाएगा, टू टू में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये भी टेंस है, ये टेंस मतलब वन बाय टेन जो है ना वो वाला पार्ट है, ओके। वन बाय हंड्रेड ये हंड्रेड, वन बाय थाउजेंड ये थाउजेंड्स, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये जो टू है इधर आया, ये जो टू है इधर आया, मतलब पॉइंट से जो पहले वाला जो पार्ट है ना पॉइंट, वो वंस टेंस हंड्रेड ऐसे करके होगा, और ये हमारा टेंस हंड्रेड्स, ओके। देखो हंड्रेड्स में हंड्रेड्स में कौन क्या कौन सा नंबर आएगा, सिक्स आएगा, आया समझ में। थाउजेंड्स में टी एच यू एस, थाउजेंड्स थाउजेंड्स में एट आ जाएगा। अभी क्लियर, ये जो पार्ट है टोटल पार्ट इसको आ गया, हो गया। ऐसे करके हमको एग्जांपल्स डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे इसको। अभी ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, नेक्स्ट अब क्लियर, ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, 374.568 का एक्सपेंडेड फॉर्म वी हैव प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, कितना 300 है कि नहीं, इधर 300 मतलब इधर हो गया, और नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन, सेवन टेंस 70, प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, फोर वंस ओनली फोर। नेक्स्ट ये पार्ट को जाएंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव टेंस मतलब वन बाय सॉरी फाइव बाय, फाइव बाय टेन, ये हमारा टेंस हो गया, ठीक है। फाइव टेंस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सिक्स हंड्रेड मतलब सिक्स बाय हंड्रेड, हो गया। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किधर लिखना है। ये हमारा एट, एट थाउजेंड्स कंप्लीट। तो देयरफॉर 374.568 इज इक्वल टू 300 प्लस 70 प्लस फोर प्लस फाइव बाई टेन प्लस सिक्स बाई हंड्रेड प्लस एट बाई थाउजेंड,
सबको हम ऐड कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसे दिए रहेंगे तो आपको इसे ऐसे कन्वर्ट करना है, ये अगर दिए रहेंगे तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। ये हमारा टोटल आंसर। ओके, हम आगे जाके भी और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बस इसको ये एग्जांपल लेके मैं आपको डिटेल्स में प्लेस वैल्यू चार्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, कंपेयरिंग डेसिमल्स। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू डेसिमल्स, मतलब हम दो डेसिमल नंबर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ग्रेटर देन आपको ऐसे पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे कि आर इन दिस डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये कंपेयरिंग डेसिमल से हम वो जान पाएंगे, उसका रूल क्या कहता है वो हम चेक करेंगे अभी। स्टेप वन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। कन्वर्ट द गिवन, आपको एक डेसिमल दे रहेंगे ना, वो गिवन डेसिमल टू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल अभी मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, स्टेप टू, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर व्हाट, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। डेसिमल में हमारा दो पार्ट रहता है, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद एक पार्ट आता है और पॉइंट से पहले जो लेफ्ट पार्ट में और एक पार्ट आता है। ओके, तो वो फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, उसके बाद क्या करेंगे, क्या है द डेसिमल विथ द ग्रेटर नंबर। अगर होल नंबर पार्ट हमारा ग्रेटर हुआ, ग्रेटर होल नंबर पार्ट देन इज ग्रेटर, मतलब हमारा अगर ये दोनों का जो गिवन हमको डेसिमल दिए रहेंगे ना, तो दोनों का होल नंबर पार्ट पहले चेक करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा रही हूँ आपको कि दोनों का होल नंबर पार्ट पहले चेक करेंगे, तो जो होल नंबर, जिसका होल नंबर पार्ट ग्रेटर होगा वो ग्रेटर ही होगा, इज ग्रेटर। देन स्टेप थ्री, इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, हमेशा तो होल नंबर पार्ट आपका ग्रेटर नहीं होगा ना, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल, ओके इक्वल, कंपेयर द टेंथ, सी टेंथ ये पार्ट, मतलब आपका जो पॉइंट के बाद जो टेंथ आता है ना, वो उसको चेक करेंगे, टेंथ डिजिट। ओके, आपको पॉइंट से पहले टेंथ प्लेस को नहीं जाना है, पॉइंट्स के बाद जो टेंथ आता है, मतलब 1/10 जो प्लेस रहेगा ना, वो पार्ट को चेक करना है। ठीक है, टेंथ डिजिट द डेसिमल विथ द बिगर डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज ग्रेटर। मतलब होल नंबर पार्ट हम चेक करेंगे फर्स्ट, वो खत्म होने के बाद अगर इक्वल आया, मतलब दोनों जो गिवन नंबर डेसिमल रहेंगे ना,
उसका अगर होल नंबर पार्ट हमारा इक्वल आएगा तो हम दोनों में टेंस प्लेस को जाएंगे। टेंस मतलब आप जो पॉइंट को राइट पॉइंट का राइट साइड को जाएंगे, तो वो राइट साइड जो टेंस प्लेस अगर जिसी का बड़ा नंबर रहेगा मतलब जो बिगर होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है, दोनों में से या तीनों में से जो भी बड़ा रहेगा वो हमारा ग्रेटर होगा। स्टेप फोर, इफ द टेंस डिजिट आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल हो सकता है। कंपेयर, देन किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर द हंड्रेड्स मतलब उसके फिर और एक प्लेस को जाना है, वो प्लेस छोड़ के टेंथ प्लेस को छोड़ के हम हंड्रेड प्लेस को जाएंगे। ठीक है, हंड्रेड डिजिट एंड सो ऑन, सो ऑन मीन्स अगर हंड्रेड आपका इक्वल रहेगा तो आप थाउजेंड्स प्लेस को जाएंगे। ओके, हम ये हमारा रूल हो गया। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या है। ये अभी हम एग्जांपल लेके कंपेयर करेंगे। ये एक डेसिमल गिवन है, ये एक डेसिमल गिवन है। ओके, 63.84 57.98। पहले हम उसका होल पार्ट को चेक करेंगे। रूल कहता है फर्स्ट रूल हमारा होल पार्ट किसका बड़ा है, तो अभी होल पार्ट इसका बड़ा है, ग्रेटर देन किसका बड़ा है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे ये बड़ा हो गया ना, तो इसमें आप मतलब स्टेप वन में आप स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, तो इधर देयरफॉर 63.84 इज ग्रेटर देन 57.98। आपको सेकेंड स्टेप नहीं जाना है। ठीक है, हमारा जो स्टेप नंबर टू वो रूल को नहीं जाना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, 24.7 and 24.58। ओके, अभी हमारा देखो हमारा रूल क्या कहता है, अगर ये ऑनलाइन फ्रैक्शन ऑनलाइन डेसिमल्स हैं तो हम लाइक डेसिमल्स को लाएंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वन हमारा वो कहता है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। ये हमारा अलग अलग है, मतलब ये टू प्लेस है, ये एक वन प्लेस है। तो हम एक हमको एक रूल पता था कि लाइक डेसिमल्स को लाने के लिए 24.7 इज इक्वल टू 24.70, इसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो अभी हमारा ये लाइक में आ गया, 24.58 है, 24.58 हो गया। देखो ये दोनों हमारा लाइक डेसिमल में आ गए। अभी हम क्या करेंगे, उसका होल नंबर को चेक करेंगे। देखो होल नंबर हमारा दोनों का सेम है। ये स्टेप नंबर टू होल नंबर पार्ट अगर हमारा सेम हो गया स्टेप थ्री में, होल नंबर पार्ट आर इक्वल, तो ये हमारा क्या हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को जाएंगे। किसका बड़ा है, टेंस, टेंस मतलब पॉइंट के बाद जो प्लेस है ये प्लेस को चेक करेंगे। ये प्लेस हमारा ग्रेटर है तो डायरेक्ट हमारा 24.70 इज ग्रेटर देन 24.58, क्योंकि इसका टेंस प्लेस स्मॉल है, स्मॉलर देन दिस नंबर। ओके, हो गया, ये सेवन टेंथ हो गया, ये फाइव टेंथ हो गया, इसीलिए सेवन टेंथ हमारा ग्रेटर फाइव टेंथ से। ऐसे करके आपको करना है। अगर हमारा अगर ये दोनों इक्वल, टेंस प्लेस हमारा इक्वल हो जाएगा, अगर सपोज ये हमारा सेवन आता तो आप कौन से प्लेस को जाते, हंड्रेड प्लेस को। ओके,
तो हंड्रेड प्लेस में अगर जिसका बड़ा रहेगा, जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा। ऐसे करके हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख पाएंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।